कमर तो रूस जो है वो झुकने को तैयार नहीं है, इसीलिए जंग के हालात पैदा हो रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया। पुतिन पर जो बाइडेन का बड़ा हमला सामने आया। जो बाइडेन ने रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को तानाशाह बताया। यूक्रेन के साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका खड़ा है, खड़ा रहेगा। रूस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बाइडेन ने सख्त लहजे में व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी है। यूक्रेन को कमजोर समझना पुतिन की सबसे बड़ी गलती है। रूस को मनमानी नहीं करने देंगे, बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। तो जिस बात का इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार बाइडेन ने अब बड़ा बयान दिया है और समर्थन मिल चुका है, खुलकर समर्थन दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को। और आपको बता दें, अब नाटो का सदस्य भी हो चुका है यूक्रेन। ऐसे में 31 देश नाटो में आ चुके हैं और नाटो की यही खासियत है कि जो देश नाटो में शामिल होता है, पूरी की पूरी जो नाटो के देश हैं उसकी सेना दूसरे देश पर सैनिक कार्रवाई करने को तैयार हो जाती है। और यही कुछ होगा यूक्रेन में। तो कहीं ना कहीं अब जिस बात का इंतजार था, जो बाइडेन ने बड़ा बयान दे दिया है, कहा है कि रूस को मनमानी नहीं करने देंगे। We the United States of America stand with the Ukrainian people. Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving, and the cost, the threats to America and America to the world keeps rising. That's why the NATO alliance was created, to secure peace and stability in Europe after World War II. और एक बड़ी खबर आ रही है, रूसी सेना यूक्रेन के सैनिक ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स के ट्रेनिंग बेस को भी निशाना बनाया गया, रूस ने इसे उड़ा दिया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का मुख्य इंटेलिजेंस